पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार को शहर की स्मार्ट पुलिस के लिए स्मार्ट पहल की है। क्यूआर कोड ई-बीट सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसके लिए शहर भर में 1500 क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इससे विभाग में काम चोरी नहीं होगी और सड़क पर पुलिस की लोकेशन दिखाई देने से आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगेगी। इस क्यूआर कोड का मुख्य उद्देश्य कि इससे पुलिसकर्मी जब सड़क पर दिखाई देंगे तो चोरी, लूटपाट, चेन स्नैचिंग, मारपीट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। शहर भर में 1500 संवेदनशील स्थानों पर वाटरप्रूफ सुबाहु क्यूआर कोड ई-बीट सिस्टम लगाया गया। ये कोड उन स्थानों के आसपास लगाए गए हैं जहां आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती है। इस कोड को सुबाहु मोबाइल एप्लीकेशन में स्कैन करते ही संबंधित बीट मार्शल की लोकेशन दिखाई देगी। इससे तैनाती स्थल से गायब रहने वाला कर्मचारी यह दावा नहीं कर पाएगा कि वह तैनाती स्थल पर मौजूद था। इससे अधिकारी कर्मचारियों के बीच विवाद भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर तैनाती स्थल से गायब रहने को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस तक होती रही है। पुलिस आयुक्त का कहना है कि क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बीट मार्शल को फिक्स पॉइंट पर पहुंचना ही पड़ेगा। इससे वह काम में लापरवाही नहीं कर पाएगा और सड़क पर पुलिस देखने से आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी। कोई घटना होने पर वह तत्काल मौके पर पहुंच सकेगा। पुलिस आयुक्त और अपर आयुक्त सुनील फुलारी की संकल्पना से इस अभिनव योजना को साकार किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।